मेरा नाम सर जगदान सर है। बताइए क्या क्या लगती थी आपकी क्या? ये सर जी मेरी बुआ है, फूफी लगती है सर जी मेरी। इनको जो है ये दिमाग में प्रॉब्लम थी, ये पाँच छः साल से इनको दिमाग में सर जी प्रॉब्लम है। ये घर में रहती है, रात पूरी बातें करती रहती है और सुबह जब लो होती है कहीं ना कहीं निकल जाती है। और उसके बाद सर जी ये चक्रो जो हैं वो साईं साहब हैं, साईं भाग सेन चक्रो के रहने वाले, उनके लंगर में रहते हैं सर जी। ये वहाँ पे उन्होंने माल मवेशियाँ रखा हुआ है, वो बकरियाँ हैं और भेड़े हैं, उनको ही सर जी ये चराती रहती थी। आज से 5-6-7 साल से वहीं चराती रहती थी, तो रोड में आती जाती बात करती रहती। जब घर में जब भी जाती है सर जी, हमें रात को सोने नहीं देती, पूरी रात बातें करती है और शोर करती रहती है। हम सर जी बेसिकल डना डोइया के रहने वाले हैं। जब ये 2-4 दिन पहले घर गई हुई थी सर जी, तो घर से निकल कर फिर चक्रो साईं भाग सेन के घर में गई। उन्होंने मुझे कॉल करके बताया जो शरीफा भी है वो यहाँ पे पहुँच चुकी है, तो हमने कहा ठीक है पहुँच चुकी है तो वहीं पे इसको रहने दो। तो फिर वो वहीं पे रही। जब आज सुबह उन्होंने मुझे कॉल किया, जब सुबह वो जागे, सुबह सर जी को टाइम था 5 बजे का टाइम था जब नमाज का वक्त होता है, तो उस टाइम उन्होंने जब अपना दरवाज़ा खोला, ये दरवाजे से निकल गई बाहर। बाहर निकलने के बाद सर जी वहाँ पे दरिया जो है वो नज़दीक है, तो ये निकल कर सुबह ही सुबह दरिया की तरफ चले गई। तो सर जी इनको मेंटली जो है प्रॉब्लम थी, उसमें ये जब दरिया की तरफ चले गई तो बुज़ुर्ग हो गए हैं सर जी, 55 या 60 की रेंज में इनकी एज है, तो वहाँ पर इनका पाँव स्लिप हुआ, ये कहीं दरिया में बह गए। और उसके बाद हम डना डोइया से जब वहाँ पहुँचने तक ही ढूंढते गए, तो पहुँचने तक पुलिस जो है वो जा रही, तो उन्होंने जाकर ये डेड बॉडी निकाली सर जी, निकाल कर ये डेड बॉडी को रोड में ले आए। तब हम भी पहुँच गए, मंडी के SHO साहब भी थे और एडिशनल SP साहब भी थे वहाँ पे, वहीं के लोग लोकल जो थे वो भी इकट्ठे हो गए। जब मुझसे पूछा गया तो मैंने उनको कहा ये शरीफा भी है, ये मेरी बुआ है। जब पोस्टमार्टम को झारो नहीं हो हम पुलिस दो कब्र गया जनाजो हमने तो कब्जा मान लिया उसको दस कर दे तो 10:30 के बीच में यहाँ चक्रो के रोड साइड नीचे दरिया के पास मिली है, तो उसी वक्त हमने शिफ्ट कराई है अपने SDH मंडी में। तो यहाँ टीम डिप्यूट कर दी है उसका पोस्टमार्टम करने के लिए। पोस्टमार्टम करने के बाद में हम लोहे के इनको हवाले कर देंगे डेड बॉडी। लगभग 48-50 ईयर एज है, फीमेल हैं, और हो सकता है इनको कुछ
कुछ भी हो सकता है, तो फिलहाल ये पोस्टमार्टम के बाद ही भी पता चलेगा और पुलिस इन्वेस्टिगेशंस के बाद ही पता चलेगा।